कार्पेट पे चल रहा है ना जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं। जैसे कि अपना एक फोल्डर जावास्क्रिप्ट इवेंट इवेंट क्या होते हैं, जैसे ऑन क्लिक ऑन डबल क्लिक है ना, तो फॉर्म के अंदर जैसे इवेंट आता है सबमिट माउस ओवर जिसको बोलते हैं फोकस ब्लर, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल क्लोज, एचटीएमएल ओपन, जाके आप अपने इवेंट वगैरह डिफाइन कर लेंगे। एक स्क्रिप्ट टैग बना लेंगे, आप स्क्रिप्ट टैग। तो फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर एक अगर फॉर्म टैग डिफाइन करें और फॉर्म टैग को यहाँ पर क्लोज करें, एक फील्ड हम लोग यहाँ बना लेते हैं जैसे कि इनपुट क्या रख लेंगे, टाइप, टाइप बाय डिफॉल्ट लिखे या ना लिखे क्या आता है हमारा टेक्स्ट। और एक हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या लिखते हैं सेलेक्ट टैग, जिसमें क्या लिखते हैं ऑप्शन टैग और जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन, एक नया ऑप्शन डिफाइन किया, फिलहाल मैं सबमिट नहीं कर रहा था इसलिए मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ मेल को लिखें इनपुट टाइप सबमिट। अब सबमिट पे भी वैल्यू लिखे ना लिखे बाय डिफॉल्ट सबमिट ही आता है हमारा, है ना। तो फटाफट से हमने एक बेस बनाया, इसको जरा रन करो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए तो स्क्रिप्ट टैग जो अपन ने नीचे डिफाइन किया है यहाँ जाके हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन फोकस कैलिब्रेशन। तो
जो इवेंट है मैं उसी नेम से फंक्शन बना रहा हूँ ताकि समझ में आए हमें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। तो ये मैं सी एस एस का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल आगे मतलब इनलाइन सी एस एस, हमने क्या लिखा, कलर येल्लो हो जाए। सबमिट पर हमारा एक पॉपअप आना चाहिए, अलर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। ऐसा हमने कुछ अपने इवेंट डिफाइन किए। अब जो फॉर्म है ऑन सबमिट इवेंट जो होता है वो यहां चलता है। आप क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट में ऑन सबमिट फंक्शन कॉल कर देंगे। फोकस कि जब किसी फील्ड पर हमारा फोकस होगा, माउस होगा, तो मतलब मैंने कुछ हैपन करके दिखाया कि समथिंग इज हैपन। अब आप चाहो तो इसके अंदर का कलर चेंज कर लो फील्ड के अंदर का, दैट इज योर चॉइस। हमने बाहर क्लिक किया तो समझ आ रहा है ब्लर, यानी कि हमारा ध्यान अब फील्ड पे से हट गया। ऑन चेंज, जैसे मैं कोई वैल्यू बदलूंगा कलर डिफरेंट हो गया, ठीक है। हमने ऐसे सबमिट किया तो हमें क्या लिखा रहा है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे सारे इवेंट आगे फॉर्म के अंदर जो जनरली हमारे सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन सबमिट, ऑन चेंज। चेंज मतलब जब आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज करो तो चेंज काम करेगा। फोकस ब्लर आपका जब किसी फील्ड पर आप टैप करोगे तब काम करता है। सबमिट जब आप सबमिट कर देते हो फॉर्म को तब काम करता है। ब्लर मतलब कि मैंने क्लिक किया ये फोकस हो गया, ब्लर मतलब कि मैं यहाँ से टैप करके आगे निकल गया तो पहला फील्ड डिफोकस हो गया, मतलब ब्लर फोकस ब्लर। तो क्या होता है ना, बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा होता है कि जब हम लोग एक फील्ड को छोड़ते हैं तो वो फील्ड तुरंत रेड हो जाता है कि भाई ये मुझे चाहिए। तो जिस मैंने आपको करके भी दिखाया था तो वो फोकस ब्लर का बेस्ट एग्जांपल था। हम लोग देखेंगे कीबोर्ड इवेंट, तो कीबोर्ड में भी ढेर सारे इवेंट आपके दिए हुए हैं। यहाँ जाएंगे और इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे कीबोर्ड इवेंट के नाम से। एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल, क्या लिखेंगे, ऑन की डाउन, की डाउन, यानी कि जब आप कोई की प्रेस करते हैं वो आपका हो गया ऑन की डाउन। ऑन की अप, तो हमारा कुछ कलर वगैरह जो है वो बदल जाए।
लिखने के लिए मैं फॉर्म वाले में लिख सकता था इसको, बट ये हमारे कीबोर्ड के इवेंट है इसलिए मैंने इसको फॉर्म से अलग लिखा है। ऑन जी अप देखो माउस से कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन जैसे मैं इसमें कोई बटन दबाऊंगा आप देख रहे हैं बटन दबाते कलर चेंज हो रहा है, छोड़ते कलर डिफरेंट हो जा रहा है ना। हाँ तो पता चला कि कीवर्ड ट्रिगर हो रहा है। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माउस इवेंट। माउस क्या क्या काम कर सकता है, तो अपने पास एक बटन है इनपुट टाइप बटन, इसको लिखते हैं वैल्यू चेंज बैकग्राउंड और ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर ये होना चाहिए राइट। तो चेंज बैकग्राउंड नाम से फंक्शन बन जाएगा नीचे, चाहो तो ऑन क्लिक भी लिख सकते थे। ठीक है तो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा जब क्लिक हो तो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो। माउस का क्या सारे इवेंट, अभी वैसे मैंने इसमें डबल क्लिक नहीं लिखा है, डबल क्लिक भी एक इवेंट होता है। ठीक है तो ये क्लिक हो गया, ये माउस ओवर माउस आउट माउस डाउन माउस अप। तो मैंने यहाँ पर क्लिक इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं क्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है वो फिर क्लिक वाले इवेंट अलग आते हैं। चलो ऊपर हम लोग एक स्टाइल डिफाइन करते हैं, स्टाइल स्टाइल क्लोज और यहाँ तक हम डिफाइन करेंगे div
तीसरा क्या होना है हमने, माउस डाउन, चौथा क्या होना है हमने अप और मूव, डबल डबल हो रहा है क्या कुछ, डाल दिया था इसको भी बंद कर दीजिए, दोबारा से देखेंगे, ओवर पे ग्रीन, आउट पर वाइट, ग्रीन और वाइट हो गए, अब क्या डाउन, डाउन पे हमारा कलर रेड है और जब माउस अप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ब्लू, अप पर देखो ब्लू काम कर रहे हैं, सारे बटन टेस्ट हो गए अपने, ऐसे काम ओवर गया, काम हो गया मूव, अगर माउस मूव पर अगर आप कुछ कराना चाह रहे हैं तो जैसे देख लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, यही देख लो इसमें नहीं आएगा पेंट पर आएगा, एमएस पेंट में आप एक चीज़ नोटिस करें जब मैं माउस मूव करता हूँ नीचे मेरे कोऑर्डिनेट्स मूव हो रहे हैं, वहाँ देखना उधर बॉटम में, दिस इज कॉल्ड माउस मूव, ठीक है कि माउस मूव हो रहा है तो कुछ हो यहाँ पर आपको नहीं हो रही है ना, समथिंग इज हैपन ऑन माउस मूव, तो ये एक चीज़ हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं इसके अंदर, जब मैं आपको स्क्रीन एक्सेस स्क्रीन वाइप प्रॉपर्टी सिखा दूंगा ना इवेंट वगैरह के साथ, तो यहाँ भी बना सकते हैं वैसे कुछ, तो बताओ माउस के पता चल गया सारे इवेंट कि कितने चीज़ें एक माउस में छुपी हुई है ना, तो माउस के भी तो तीन बटन होते हैं जैसे लेफ्ट अलग होता है, मिडिल अलग होता है, राइट अलग होता है, तीनों के ऊपर भी हम लोग कुछ करवा सकते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विंडो इवेंट की, विंडो इवेंट्स एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, तो चलिए विंडो के लिए हम लोग क्या करें, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ विंडो के अंदर, बट इवेंट की बात चल रही है तो डिस्कस करेंगे, फंक्शन बना लो लाइक माय फंक्शन और यहां जाकर डिफाइन कर दें अलर्ट, अलर्ट मैंने लिखा क्या विंडो इज लोडेड, एक हमने बनाया ऑन रिसाइज, लिखा हमारा जो कलर है वो कुछ डिफरेंट हो गया, बॉडी में आएंगे लिखेंगे ऑन लोड माय फंक्शन एंड ऑन रिसाइज, हम लोग यहां पर रिसाइज फंक्शन को कॉल कर देंगे, राइट यहां पर आएंगे विंडो इवेंट टेस्ट करेंगे, कुछ गलत हो गया है जरा देखो क्या गलत हुआ है, स्क्रिप्ट टैग हमने उड़ा दिया है, ऐसा नहीं करना है तो चलेगा नहीं, तो जैसे मैं पेज को F5 की और रीलोड किया तो क्या लिखा है विंडोज लोडेड, हमारा काम हो गया, रिसाइज जो है वो तब ट्रिगर होता है जैसे ही पेज को आपने छेड़ा, विंडो रिसाइज हुई तो कुछ हो गया तो है ना, समझ आया, तो रिसाइज इवेंट तो मतलब कभी ऐसी आपको जरूरत हो तब ना लगा सकते हो, तो रिसाइज भी प्रॉपर्टी है अपनी,
स्टार्ट करेंगे नया तरीका इसके अंदर इवेंट लिसनर। ये जो हम लोग अभी तक देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है? बताओ यार, मैं भी हंसूंगा अकेले अकेले हंस रहा है। अच्छा, तो ये जो हमारा तरीका होता है ये क्या होता है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। मतलब कि अगर हम लोग बिगिनर हैं तो ठीक है, बट जब हम लोग प्रो लेवल पर धीरे धीरे आ जाते हैं ना, तो हम लोग लिसनर्स का यूज़ करते हैं। लिसनर का बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी इजीली ये नहीं पता लगा सकता कि भाई मेरा जो कोड ट्रिगर हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने CSS पढ़ा था, उसमें पढ़ा था nth चाइल्ड, बिना नीचे बताए हम लोग ऊपर डिफाइन करते जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है काम करने का nth के थ्रू, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड nth चाइल्ड। तो एल्गोरिथम बहुत ईजिली आपके डेटा को रिकॉग्नाइज करती है, एनालाइज करती है, फटाफट उसको इंडेक्स करती चली जाती है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, उससे पहले यार क्लिक इवेंट करा दूं, पहले क्लिक करा देता हूं, है ना। चलो वैसे सी के अंदर ही आ जाएगा आपका, यहां जाओ। नंबर टू, एड इवेंट लिस्नर, ठीक है? ये आपने डिफाइन कर लेना है। यहां जाओगे, हमें क्लिक के ऊपर लिसन करवाना है अपना इवेंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जाके 2.1 एड इवेंट लिसनर अंडरस्कोर एक्सटेंशन डॉट HTML। तो ये बना अपना तरीका। चल, तो मेरे पास एक बटन है यहाँ पर, जरूरी बटन टैग हो, इनपुट टाइप बटन के ऊपर भी काम करेगा, किसी भी चलवा सकते। बटन को हमें क्लोज करना होता है क्योंकि बटन इज अ कंटेनिंग टैग, जो कि इसमें वैल्यू इवेंट नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लाइक क्लिक मी, और मैं यहाँ पर इसको एक आईडी दूंगा। तभी तक जैसा पैराग्राफ कुछ डेटा भेजते हैं तो क्या करते थे आईडी से, तो वैसे मैं इसको एक आईडी देता हूँ लाइक क्लिक बटन। नीचे आएंगे अपन, यहाँ पर जाके हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी? क्लिक बटन। बस यहां से आपका चेंज हो जाएगा। अभी तक आप लिखते डॉट इनर HTML, अब आप यहां लिखेंगे एड इवेंट लिस्नर। तो जब हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं इवेंट का, तो हम लोग लिखते हैं ऑन क्लिक। जब हम लोग इवेंट में काम करें तो ऑन नहीं लिखते हैं, आपने सीधे बताना है ये क्लिक पर ट्रिगर होगा, ठीक है? ऑन नहीं लिखना है। इसके बाद मैं यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड को रन करना चाह रहा हूँ। अब ये चेंज बैकग्राउंड क्या है? चेंज बैकग्राउंड इज अ फंक्शन। तो आप नीचे जाके फंक्शन बना लेंगे चेंज बैकग्राउंड, और वही अपना सिंपल सा कोड, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू लाइक येलो। अब आप देख रहे हो मैंने बटन के ऊपर कुछ लिखा है क्या, ऑन क्लिक वगैरह नहीं ना। एड इवेंट लिस्नर मतलब क्या, इवेंट किस पर आपका वर्क करेगा वो आपने यहाँ डिफाइन करना है। हमारा इवेंट है क्लिक, तो ये क्लिक पर लिसन करेगा हमारे इस फंक्शन को। एड इवेंट लिस्नर समझ आ गया जी? तो जरा चलाओ इस फाइल को, और यहाँ से इसको करेंगे रन, और यहाँ जाकर हम करेंगे क्लिक। तो ये हमारा काम। अब मान लो कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, आपका ये कोड तो रहेगा नहीं, और यहाँ पर ऑन क्लिक करके लिखा होगा नहीं, तो और कोड नीट एंड क्लीन हो गया ना, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करता है फिर आपका कोड जो होता है। अब मान लो मुझे मल्टीपल क्लिक चलवाने, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे एड इवेंट लिस्नर, यहां पे क्या लिखते हैं मल्टीपल अंडरस्कोर क्लिक एक्सटेंशन डॉट HTML।
सो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे एक बटन है मेरे पास, उससे बैकग्राउंड का कलर भी बदल जाए, प्लस मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, मैंने इसको एक आईडी दे देना है, लाइक LINEU1 और बीट है क्लोज। एक और है मेरे पास, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाते हैं, या तो एक पर ही सारे काम कर लो, या फिर मेरे पास जैसे तीन अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन मेरे पास अपडेट लाइन वन, राइट, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहां लिखेंगे जाके क्या है लाइन वन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू वेलकम टू अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, और लाइन टू ये क्या है, हमारी आईडी है ना, समझ आ रहा है, क्या लिखेंगे, अरीना इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये हमें एक ही बटन से तीन फंक्शन फायर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे डिफाइन करेंगे, यहां क्या लिख देंगे, अपडेट लाइन वन, और यहां अपडेट लाइन टू, समझ आई बात, और इसको यहां से करेंगे रन, क्लिक मी के साथ क्या नाराजगी, जरा चेक करो, तो एक तीर से तीन निशाने लग रहे हैं हमारे, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, दोनों पैराग्राफ भी हमारे अपडेट हो रहे हैं उसके अंदर, तो ये पार्ट हमारा हो गया। Variable like
आवाज़ है, चेंज डिप बैकग्राउंड, उसको प्योर बंद कर लो, राइट। ऐसा कुछ बना सकते हो? अब यहाँ से करो डिलीट, चेंज बैकग्राउंड एज इट इज रहेगा। यहाँ से आप लिख लेंगे चेंज डिप बैकग्राउंड से, ये आपका पार्ट काम करेगा, ठीक है। तो एक डिपर तीन चीजें काम कर रही है, क्लिक भी काम कर रहा है, माउस ओवर भी और माउस ओवर भी, ऐसे आप चला सकते हो। बचा है टाइम थोड़ा बहुत, तरीका ये होता है।
लिसनर के लिए किया था, इसी को आप यहाँ लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, माय बटन, फिर क्या लिखेंगे आप, डॉट ऑन क्लिक, ना तो एड इवेंट लिसनर रहेगा ना कुछ रहेगा, इक्वल टू सीधे आप डिफाइन करेंगे अपना फंक्शन, और यहाँ पर जाकर आप सीधे डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू येलो। ट्राई करके देखिए क्या ये भी तरीका काम करता है कि नहीं, करना चाहिए वैसे तो, है ना। तो एड इवेंट लिसनर के केस में ऑन नहीं आएगा, बाकी के केस में ऑन आएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका हम सीधे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग बात करते हैं डबल क्लिक इवेंट की, ठीक है। नंबर 4 जावास्क्रिप्ट डबल क्लिक इवेंट, टॉपिक नंबर 4.1 और यहां लिख देंगे DBL, लिखते हैं डबल कोट, ठीक है। DBL क्लिक एड इवेंट लिसनर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, हेडर, जिसे हम लोग हेडर पे क्लिक करा रहे हैं ना, और यहां पे क्या लिखेंगे, एड इवेंट लिसनर, और यहां पे क्या लिखेंगे, सिंगल या डबल कोट में कैसे लिख सकते हो, डीबीएल क्लिक कॉमा, एक फंक्शन बना लेंगे लाइक ऑन, अरे चल जाए यार, ऑन डबल क्लिक, जी ठीक है। तो ये हमारा काम पूरा हो गया, हमें क्या करना है, लिखेंगे फंक्शन ऑन डबल क्लिक कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा जो है get element by id id क्या हमारी p1 dot inner html welcome to arena animation, चला गया। Thank you.
जैसे आपने जावास्क्रिप्ट से क्लिक कराना है तो ऑन डबल क्लिक वाला अपना लॉजिक लगा दोगे तो वो भी आपका काम कर जाएगा। फाइल का नेम चेंज करना भूल गया, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ये अपना फंक्शन बन गया है ना। जरा चला के देखना काम करता है कि नहीं, कुछ गलत है क्या। हमने लिखा इक्वल टू फंक्शन डॉक्यूमेंट get element by id header 1 dot double click on double click equal to function document dot get element by id p1 dot inner html equal to sahi to hai file ka tha ka abhi to kiya tha apne wala स्पेलिंग से दिखाई दे रही क्या। इनर वेलकम टू दिस, ये बंद हुआ डीओसी में एंटी गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल क्लिक। हाँ हमने ये गलत कर दिया ना, डीबीएल होता है यार। डीबीएल लिखना होता है उसको शॉर्ट में, हाँ साउंड वो डीबीएल जो है ना डबल ही करता है वो, शॉर्ट में लिखना होता है। अभी तो सारा कुछ ठीक है, कहाँ गलत हो गया। तुम्हारे अब दो इवेंट हो रह जाएंगे, ऑन लोड और ऑन रिसाइज। तो ऐड इवेंट लिस्टनर चला सकते हो आप बहुत इजीली, ठीक है। एक फॉर्म वैलिडेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग अपनी डिजाइनिंग वाली जेएस में एंटर मार जाएंगे। हफ्ते भर के अंदर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट मंथ से ओपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।